अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आप दिखाते हैं ज़रा, चाचा सामने बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे राय मशवरा लेते हैं, वो कंपनी में काम करते हैं, आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। चलिए दोस्तों मिलते हैं चाचा से, वो आपको दिखाते हैं। बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, परेशान हैं बेचारे, क्या करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक बैठे रहते हैं। देखते हैं बात करते हैं तो ठीक है, वो बात नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से क्या पोजीशन है अभी कंपनी में। तो दोस्तों यही है चाचा, देखते हैं बात करते हैं, बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये है दोस्तों, यही है क्रेन, अब इसी को जो है उस पर ला देंगे चाचा। देखिए अभी थोड़ा कंपनी में काम करती है ना, इसलिए ऐसा है। तो दोस्तों यही है भाई लोग अपने, ये भाई नेपाल के हैं, चाचा को तो आप जानते ही हैं, ये चाचा बांग्लादेश के। तो भाई कुछ आप अपने बारे में भी बताइए कुछ। हाँ भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी इतना साल से काम इधर प्रदेश में कर रहे हैं, एक तो बहुत खुशी लगता है अपना एक इंडिया भाई, नेपाल भाई और मिलेगा तो, क्योंकि हम लोग यही भाई भाईचारे की वजह से इधर आके हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा क्या काम करते हैं आप जरा बताइए। मैं तो भाई अभी यही लोबेट चला रहा हूँ। ये लोबेट है, तो दोस्तों ये लोबेट गाड़ी है, देखिए ट्रेला है, यही है, यही चलाते हैं। ये कंपनी में मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ अभी। तो कैसा है, ऊपर वाले की दुआ से अभी तक सही चल रहा है काम। हम तो भाई परदेश में आके घर छोड़ने के बाद तो कैसे भी वो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक अपना पेशा बोलो या क्या बोलूँ, ये तो अपना प्रोफेशनल काम हो गया ये लोबेट चलाने का, गाड़ी चलाने का। तो अभी हम लोग बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी कतर में सुना है काम थोड़ा कमती कमती है यार। कतर में अभी काम बहुत कमती है, क्योंकि ये जब वर्ल्ड कप खलास होने के बाद में काम बहुत कम हो गया। अच्छा, क्योंकि इधर अभी ये तो कतर गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्या सिस्टम है हमको तो मालूम नहीं है। फिर भी हर कंपनी में अपना जो भाई लोग है इधर, जो इंडिया नेपाल बांग्लादेश जो भी कंट्री का आदमी लोग है इधर, हम लोग जिस हिसाब से वर्ल्ड कप से पहले काम करते थे अभी इतना अच्छा नहीं है। अभी वर्ल्ड कप के बाद में पूरा काम एकदम डाउन है। इसलिए चलो, फिर भी हम लोगों का तो रिपेयर काम है, चल रहा है अभी तक। और जो लेबर कैटेगरी के उनका क्या है? उनका भी देखो भाई, अभी आजकल हमारा कंपनी में भी आजकल का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल काम नहीं दिया तो पहले 4-4 घंटा 5-5 घंटा ओवर टाइम लगाता था, अभी 5-4 घंटा ओवर टाइम नहीं, 8 घंटे ड्यूटी करके आदमी लोग घर जा रहे, रूम में जा रहे। तो अभी ओवर टाइम नहीं चल रहा है, सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा है कंपनी का हालत। अब कई आदमी अपना अपना डिपार्ट है, कई आदमी को अच्छा लगता है करता है, अच्छा नहीं लगता है रिजाइन मार के जाता है, कोई गलती करता है अभी गलती में भी पनिशमेंट है। अभी इसका जो भी एक आप गलती करेगा तो झगड़ा करेगा, गलती करेगा कोई ऐसा भी दारू वारू पी के झगड़ा भी करता है। दारू वारू ऐसे लोगों को बना लेता है, क्या करेगा परदेश में आदमी लोग पीने वाला किधर भी है ना। तो ऐसे कंपनी को मालूम चल जाएगा, मुदीर लोग उन लोगों को टर्मिनेट कर देता है, 1 रियाल भी नहीं देता है, बस ऐसा ही है भाई।
और मैं सिर्फ दुबई में सुना था कि यहाँ दारू वारू मिलता है, यहाँ तो फिलहाल नहीं सुना था। भाई इधर गल्फ में पीने वाला आदमी कैसे भी करके पी लेता है। ठीक है, ये तो आपके कंपनी में लेबर लोगों की क्या सैलरी होती है? लेबर का सैलरी है 1000+300 है, यानी कि 1000 सैलरी और 300 खाने का। और प्लस ओवरटाइम में एकोमोडेशन देता है, खाना अपना है। तो पहले पहले तो लेबर लोग भी 2000-2500 उठाता था, अभी तो भाई अपना वही सैलरी में गुजारा कर रहे हैं। यानी कि पहले वर्ल्ड कप जब था तब अच्छा पैसा कमाया? अरे उन लोगों का अच्छा पैसा कमाया, अभी थोड़ा कमती है यार, थोड़ा कमती है, इसलिए सब कुछ बस चल रहा है भाई। अपना तो काम यही है, अभी जैसा कंपनी बोलता है किधर किधर जरूरत है, बस ये मशीन उठाने का जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ की लाइफ कैसी है? नेपाल की लाइफ अच्छी है कि यहाँ की? भाई लाइफ की बात छोड़ो, ये अपना देश जितना सुंदर है ना, वो तो है, नेपाल इंडिया जितना सुंदर है ना, इधर नहीं है। इधर क्या है, इधर देखो पूरा मरुभूमि है। दिन में वैसे तो आँख भी देख नहीं सकता, इतना तकड़ा धूप है। 9 बज रहा है, समझ लो अभी आँख खोल कर देख नहीं सकते। अभी तो गर्मी हट गया भाई, ये अभी जून जुलाई अगस्त महीने में तो आदमी अभी इस टाइम पूरा कपड़ा भीगा होता है। देखो परदेश में एक मजदूरी में गरीब आदमी जो भी है, आदमी लोग इधर आके काम कर रहे हैं अपने घर फैमिली के लिए, बच्चे के लिए अभी कर रहे हैं जो भी है कि नहीं। अच्छा, तो आपके कंपनी में ड्राइवरों की क्या सैलरी होती है? भाई अपना कंपनी में सैलरी ऐसा है, पुराना आदमी का थोड़ा ज्यादा है, अच्छा 2500 है, नया आदमी का 2000+200, 1800+300 ऐसे ही, अपना मन मर्जी से दिया है। तो आप जब यहाँ आए थे तो इंटरव्यू दे करके आए थे कि कैसे आए? नहीं, मेरा दोस्त था, उसने निकाला वीसा। अच्छा, तो मैं जब आया था तो ये कंपनी में 34 आदमी था टोटल। अभी 34 आदमी है अभी। अभी तो भाई 1700 आदमी हो गया था, अभी तो धीरे धीरे होके कटिंग हो रहा है, अभी काम नहीं है ना, इसकी वजह से बहुत मुश्किल है। जो भी है चल रहा है भाई, अभी क्या करेंगे, अपना बेरोजगारी की वजह से इधर काम करना पड़ता है कि नहीं। अभी जो भी है, आप है, मैं है, कोई सब आदमी अपना अपना मजबूरी है, अपना अपना, अभी 2000 पैसे नहीं कमाएगा तो फिर भी मुश्किल है। सही, जेब में है पैसा सब कुछ है, जेब में नहीं है तुमको कोई भी नहीं पूछेगा। नहीं सही है कि नहीं, इसलिए अपना भाई 2000 रियाल जो भी हो अपना प्रदेश में जब तक रहेगा बचाओ, काम करो अच्छी सारा, खुशी खुशी जाओ, ईमानदारी से काम करो। बेईमान का काम, बेईमान का पैसा अच्छा नहीं होता है, इसलिए बेईमान करके कोई गारंटी भी नहीं है, जो जॉब का कोई नौकरी का गारंटी नहीं होता है। गलती एक बार दो बार तीन बार करोगे एक दिन तो तुम पकड़ जाओगे। हाँ वो तो इसलिए जो भी है चल रहा है भाई। अच्छा, जो आना चाहता कुछ उनके बारे में नहीं भाई, लोग अपना देखो परदेश में जो भी आएंगे एक प्रोफेशनल काम सीख के आ जाओ, और कोई ना कोई काम सीखो आ जाओ। इधर लेबर में भाई, लेबर में नहीं आओ, एक गल्फ में लेबर में आएगा क्या है, आपको बहुत कुछ धक्का खाना पड़ता है, इसलिए जो भी हो मेहनत करो। इधर तुम काम सीख के आएंगे तो 2 साल कमाने वाला पैसा एक ही साल में कमाएगा, अगर लेबर में आएगा कोई दूसरा उसमें का आएगा तो फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ड्राइवर जैसे मैं ड्राइवर प्रोफेशनल, मेरा ड्राइवर है, प्रोफेशनल का काम है, जैसे मैं भी ड्राइवर हूँ, आप भी ड्राइवर है, और जो बेचारे लेबर लोग होते हैं ना उनका दिक्कत होता है, धूप में काम करो ये सब होता है। ऑपरेटर, ड्राइवर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, कोई भी एक काम सीख के आ जाओ, इधर अच्छा है। लेबर में आओगे तो जो ड्राइवर एक साल में कमाता है, लेबर 4 साल में भी नहीं कमाएगा, इसलिए कोई भी काम मेहनत करो, बेशक 4 साल बाद आ जाओ लेकिन कोई काम सीख के आ जाओ। इसलिए जो भी है भाई लोग, तो अपना घर छोड़ के आते तो कुछ पैसा कमाने के लिए आएंगे, तो कुछ अपना फैमिली के लिए है कि नहीं, तो इसलिए काम सीख के आना जरूरी है। और इससे अच्छा तो काम सीख के नहीं आएंगे तो अपना मुलुक में रहना अच्छा है कि नहीं। उधर ही काम सीखो, उधर ही कुछ ना कुछ करो, यही अच्छा है। अभी इधर का रूल है तगड़ा,
हालात सही नहीं है जो भी है भाई। अभी आपसे मुलाकात हुआ, शुक्रिया भाई। हाँ तो यही है भाई, ये अपने नेपाल के हैं और ये चाचा जो है अपने बांग्लादेश के हैं। तो देख लिया, इन लोगों की ऐसी स्टोरी होती है। तो गल्फ में भाई इतना आसान नहीं है पैसा कमाना भाई, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। खड़े खड़े देख लिया, पसीना देखो कैसे आ रहा है, ऐसे ही 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है भाई कंपनी में, लेबर लोगों को। हम लोग तो चलो ड्राइवर है, अभी तो यहाँ खड़े हम लोग, चलो फिर अपने गाड़ी में बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो लेबर लोगों हैं उनके लिए भाई बहुत दिक्कत है। तो इसलिए भाई प्लीज़ आप लोग कोई काम सीख करके आना भाई, यहाँ आप काम सीखे हैं तो भाई बहुत बढ़िया है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है भाई। समझ लो अलातुल जो है 8 घंटा 10 घंटा आपको धूप में ही खड़े रहना है, और यहाँ की भाई गर्मी भाई इतनी जल्दी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब भी क्यों हेल्प कर देना। बस इधर का चलिए कैसे चलता है वही दिखा रहे, अभी अपना अपना ड्यूटी में लगेंगे भाई। थोड़ा देर खड़ा रहा था, अपना एक कहानी आप लोगों को शेयर किया। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं फिर, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों देख लिया, ऐसी होती है भाई बाहर की लाइफ। चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। ये जो पीछे जो गाड़ी है ना भाई, वो नेपाली भाई है ना, वही वो चलाता है, और चाचा जो है वो ट्रेला चलाते हैं। ऐसा है भाई, दोनों की सैलरी माशाल्लाह अच्छी है, 2500 रियाल सैलरी है भाई, और क्या चाहिए भाई। और ओवर टाइम मिला करके 3-4 हज़ार रुपया आ जाता है, मगर अभी जो है थोड़ा कंपनी का काम मुश्किल है, अभी काम हम थोड़ा कमती है कतर में, तो इसलिए सिर्फ सैलरी पर ही है। और लेबर लोगों की तो भाई सैलरी वो बता ही चुके हैं भाई लोग। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।